नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रियों के नियम क्या होते हैं, क्या नवरात्र में बाल धो सकते हैं, क्या नवरात्र में हम सो सकते हैं, क्या हम नवरात्र में शैम्पू साबुन शैम्पू लगा सकते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। नवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, क्योंकि हमें 9 दिन के व्रत करने होते हैं। 9 दिन व्रत के कुछ नियम होते हैं जिन पूरा फल प्राप्त करने के लिए पालन करना होता है। अगर हमें नियम ही न पता होंगे तो हम पालन कैसे करेंगे। नवरात्रि में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब दैवी आत्माएं धरती पर विचरण करती हैं। इस समय पर दैवी शक्तियां जागृत होती हैं। अगर आपकी विशेष कोई कामना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और मैया का ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले का समय होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। आज के दिन आप काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने, लाल पीले हरे रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं और माँ भगवती की पूजा करें। अगर आप अखंड दीप जलाया है तो आप जला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। दोनों समय मैया के कपूर से आरती करें। मैया से अपनी गलती की माफ़ी मांगें। अगर आप घर में कलश स्थापना करें या फिर अखंड दीपक जलाएं, माँ भगवती का घर में आह्वान कर रहे हैं तो घर में कला क्लेश ना हो। नवरात्रि व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। नवरात्रि में रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। आप चाहें तो संध्या काल में भी पूजा कर सकते हैं, यानी कि 10 बजे भी आप पूजा कर सकते हैं। एक समय ऐसा है, ऐसे समय में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। अगर आप अपनी कोई कामना शीघ्र पूर्ण करवानी चाहते हैं तो रात के 11 से 1 बजे तक का समय नवरात्रि पूजन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। नवरात्रि में क्या साबुन शैम्पू तेल लगा सकते हैं? नवरात्रों में लोग कई तरह का त्याग करते हैं। कई लोग तो चप्पल भी नहीं पहनते, कई लोग लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, कई लोग नए वस्त्र भी नहीं पहनते। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने किन चीज़ों का त्याग करना होता है। ये सब बातें आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करती है। शैम्पू और साबुन लगाने से शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहीं भी नहीं लिखी पड़ी जाती कि हमें साबुन शैम्पू नहीं लगाना है। बस इतना ध्यान रखें कि जो आप शैम्पू लगा रहे हैं उसमें अंडे का यूज ना हो। आप हर्बल के साबुन शैम्पू लगा सकते हैं, तेल भी आप लगा सकते हैं। सरसों का तेल आप ना लगाएं, बादाम नारियल तेल लगा सकते हैं। क्या रोज बाल धो सकते हैं? जी हाँ, हर रोज नवरात्रि के दिन आप बाल धो सकते हैं। सुहागण महिलाओं को श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।